अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा घर में वॉशिंग पाउडर सिखाऊंगी जो बिल्कुल सर्फ एक्सल की तरह है। बिल्कुल मतलब सर्फ एक्सल ही समझ लें। तो मैं उसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी मैंने ढूंढी है और अच्छी जो मुझे ऑथेंटिक लगी, अच्छी लगी कि यहाँ ये वाकई सर्फ एक्सल की तरह है और इससे कपड़े भी बहुत अच्छे धुलते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत अच्छी बनेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या सामान हमें लेना है। और आप लोग जल्दी से एक कॉपी और पेंसिल या पेन कुछ ले लें और जितना मैं आपको बता रही हूँ उतना आप सब सामान लिख लें तरीके से। तो सबसे पहले हमने लिया ये सोडा ऐश, यानी कि खारा सोडा, जिससे हम सर्फ बनाएंगे। हमारा मेन इन्ग्रीडियंट्स है ये, जिससे हमारा सर्फ ज़्यादा भी होता है। और सोडे से आपको पता है कि कितने अच्छे कपड़े चमक जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो उसके बाद हमने ये लिया यूटी बेस, ये बिल्कुल वही है, बिल्कुल हल्का सा इसका वज़न है बिल्कुल, और ये वही दाना है जो आपको अक्सर सर्फ एक्सल में नज़र आता होगा। तो देखिए इसको करीब से, बिल्कुल ये वही है। तो ये हमने यहाँ पे यूटी बेस ले लिया है जो हमारे कपड़ों में चमक, खुशबू और बहुत अच्छे झाग बनाने में काम लेगी। और इसके बाद हमने लिया ये टीनोपाल, ये वो है फार्मूला जिससे हमारे कपड़ों में चमक आएगी, कि हमारे कपड़े साफ़ सुथरे खूबसूरत और चमकदार नज़र आएंगे। और ये बहुत ही कम तादाद में डलता है। तो ये मैंने 1 किलो का मैं बना रही हूँ सोडा सर्फ, मतलब सर्फ एक्सल 1 किलो सर्फ एक्सल बना रही हूँ। तो इसमें तकरीबन ये 10 ग्राम है। अगर आप आधा किलो बनाएंगे तो आपको 5 ग्राम लेना पड़ेगा। तो आप, मैं जब भी आपको बोल रही हूँ कि आप सब चीज़ें लिख लीजिए बिल्कुल बराबर से। अच्छा, तो ये है कलर दाना जिसको हम ब्लू, जो हमारे ब्लू जो आपको आपने देखा होगा कि सर्फ एक्सल के जो एड में दिखाते हैं कि हमारे ये ब्लू दाना है, हमारे कपड़ों को धोने में मदद करते हैं और मेल कुचेल मतलब हटाने में, ये कपड़े को जो वॉश करने में बहुत मदद देता है, क्योंकि ये थोड़ा कड़क भी होता है और ये खूबसूरत भी लगता है हमारे सर्फ एक्सल के अंदर। तो आप ये किसी भी कलर का ले सकते हो, ब्लू, ग्रीन, येलो या फिर रेड, लेकिन ब्लू ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ब्लू लिया। तो ये है तकरीबन 100 ग्राम के करीब ना, क्योंकि ये 50 ग्राम आधा के हाफ का जी करना है तो आपको हाफ कर दें इसको। और ये है सोडियम सल्फेट, तो ये भी बहुत अच्छा हमारा सर्फ बनाने में काम आएगा। और ये खारे पानी के अंदर जो खारा पानी होता है उसको भी लड़ने में मदद देता है, अगर आप खारे पानी में कपड़े धो रहे हैं तो। तो ये तकरीबन पूरा 250 ग्राम यानी 1 पाव। और ये है SLS पाउडर, तो ये दोनों चीज़ें हमारी खारे पानी में लड़ने में मदद देती है और अच्छा मतलब काम करती है। तो अगर आपके पास SLS पाउडर है तो लाजमी डालें। और बहुत ही अच्छा ये हमारा मतलब सर्फ के जो मैं आपको सामान दिखा रही हूँ आपको ये लाजमी लाजमी लेना है, तो हमारा सर्फ एक्सल अच्छा बनेगा। और ये तो आपको पता ही है 96% वाला एसल्फोनिक एसिड लेना है हमें बोल के। किसी भी केमिकल की शॉप पे आपको ये सब सामान अवेलेबल मिल जाएगा आराम से, होलसेल की शॉप पे जाएं आप केमिकल वालों की। और ये है आपको पता है हमारी शैम्पू बेस, तो ये भी मैंने सल्फोनिक एसिड तकरीबन मैंने लिया है इसके अंदर 250 ग्राम है या तकरीबन, मैं आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको सारी चीज़ों का लिख दूंगी, आप उस वहाँ से भी जाके आप सामान लिख सकते हैं सारा। और ये शैम्पू बेस का भी आपको बता दूंगी कि मैंने कितना लिखा है, तो ये मेरे अभी जहन में नहीं है कि मैंने कितना लिखा था, तो मैं आपको बता देती हूँ। और ये है हमारी मेन इन्ग्रीडियंट सर्फ एक्सल की खुशबू, तो ये फ्रेगरेंस हमारी तकरीबन 10 ग्राम डलेगी, तो ये भी आप अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा 10 ग्राम ये आपको खुशबू चाहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि सोडा हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा और आप देखते रहिएगा। तो ये बहुत ही हमें कम पैसों में पड़ेगा और आपको पता है सर्फ एक्सल कितना महंगा हो गया है, तो ये आप जो जो मैं सामान लेकर आई हूँ तो इसमें से ही मैंने सामान बचा लिया है। तो तकरीबन 2 मरतबा बना सकती हूँ ये सर्फ एक्सल अपना महीने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं अपना कैमरा लगा लेती हूँ इसके ऊपर ट्राईपॉड पे, तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं सबसे पहले आप मास्क भी पहन सकते हैं, क्योंकि हमें ये सोडा और ये चीज़ें हमारे नाक पे मतलब चढ़ती हैं और इसकी जो एक भूम होती है वो उड़ती है, एक मतलब खुशबू सी भी उड़ती है तो आँखों पे उस पर लग भी सकती है। तो आप अपनी सेफ्टी के लिए जिनको एलर्जी है वो पहन सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने एक टप ले लिया, प्लास्टिक के ही टप चीज़ें लिया करें मतलब आप लोग, तब ऐसा इस तरह की केमिकल्स वाली कोई चीज़ बनाए तो प्लास्टिक बेस्ट है। यहाँ मैंने टप ले लिया, इसे मैं सारा ये सोडा डाल दूँगी, पूरा 1 केजी है ये 1000 ग्राम, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इसके अंदर सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले हमें इसकी मिक्सिंग करनी है, और मिक्सिंग में आप लोगों को कोई कंजूसी नहीं करनी है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में आप लोग बस कि बस हम जल्दी हो रही है तो हमें फटाफट से हमें अपना रेडी कर लेना है, नहीं,
आप हर चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स करनी है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ और बताती रहूँगी एंड तक कि मिक्सिंग में कोई कंजूसी नहीं होगी बिल्कुल भी, कि जल्दी जल्दी में आप अपनी या वीडियो शूट करनी हो या कुछ भी, मतलब अगर आप अपने घर में बना रहे हैं तो आप तरीके से और तसल्ली से कीजिएगा हर काम, तो आपका सर्फ बहुत अच्छा बनेगा। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, तो इसकी जो एकदम से, क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड बहुत गर्म होता है और इसके अंदर गर्माइश होती है एक तरह की, तो सबसे पहले हम इसको इसकी को मिक्स करना है, क्योंकि इसी को मिक्स करने में थोड़ी देर लगती है, बाकी तो सब पाउडर फॉर्म में है तो वो जल्दी मिक्स हो जाएंगे। तो बस ये थोड़ा आप या तो थोड़ा सा फासले से बनाएं, और इसमें लकड़ी का चम्मच ही आप यूज़ करें या प्लास्टिक का, तो इसका कोई वो इशू नहीं है। और ये दोनों ही शैम्पू बेस और ये दोनों ही हमारे को, मतलब ये हमारे फॉर्म बनाने में, फॉर्म बूस्टिंग करने में, ये दोनों चीज़ें हमारी बहन के किरदार हैं। तो अगर आप लोगों को फॉर्म बूस्टर ना मिले, नहीं हो, तो मैंने जो आपको बताया सोडियम सल्फेट, वो आप वो यूज़ कर सकते हैं, दो सोडियम सल्फेट ये फॉर्म बूस्टर का ही काम करेगा। और मैंने आपको बताया था शैम्पू बेस मैंने इसमें ली है तकरीबन 200 ग्राम, मैं आपको बता दूं, और इसके अंदर, और जो मैंने अभी डाला है सल्फोनिक एसिड काला तेल जिसको हम बोलते हैं, और एसएलएरी भी बोलते हैं इसको, तो इसके अंदर मैंने 160 ग्राम सल्फोनिक एसिड लिया एक किलो में। तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसकी सबसे अच्छी हमें मिक्सिंग जो करनी है वो इसी की करनी है, ताकि हमारे कपड़ों में कोई दाना ना बने और सर्फ हमारा अच्छा सा बने। तो इसके बाद हम हाफ मिक्सिंग के अंदर अब हम डाल देंगे इसके अंदर शैम्पू बेस। तो शैम्पू बेस वही प्रोडक्ट है जो हमारे कपड़ों में चमक भी लेकर आएगा बहुत ज़्यादा, और हमारे झाग बनाने में बहुत ही मदद देगा ये, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। इससे आपको पता है कितने काम होते हैं, इससे डिश वॉश अच्छा बन जाता है और शैम्पू अच्छा बन जाता है हमारा। और इसके अलावा मैं आपको अब डिश वॉश पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, जो लेमन पेस्ट होता है वो हमें देखिए धोने में, बर्तन धोने में बहुत काम आता है, बहुत से लोग उसी चीज़ से बर्तन धोते हैं और घर में कितना सस्ता पड़ेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी मेरी इसके बाद सीखी होगी, तो जो भी मैं आपको टिप बताऊँ तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, और मेरे जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़, और लाइक करना मत भूलें। बस जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें जल्दी फटाफट, ताकि मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। आप लोग अगर करेंगे तो प्लीज़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैंने अभी अपनी सेटिंग में जाके देखा तो नॉट सब्सक्राइबर ज़्यादा मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है बहुत बहुत कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों अहबाबों में। तो ये शेयर करना मत भूलिएगा, किसी के काम आ जाएगी वीडियो, तो प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। तो इसकी भी हम मिक्सिंग अच्छी तरीके से करेंगे, और आप लोग वीडियो देखने में इतना मगन हो जाते हैं कि लाइक करना भी भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक करा करें मेरी वीडियो को। तो अभी से ही मैंने अभी कुछ खुशबू भी नहीं ऐड करी, और अभी से हमारे सर्फ में खुशबू आना लग गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो और ये इसका ये भी है कि हम घर में बना रहे हैं, तो ये हमारा सोडा, ये भी मतलब सर्फ जो है बन रहा है सर्फ एक्सल वाला, ये घर में भी मतलब कम ही यूज़ होगा, और ये उसी तरीके से डलेगा जिस तरीके से हम सर्फ एक्सल या ब्राइट एरियल कुछ भी यूज़ करते हैं, तो ये उसी तरीके से हमारा ये काम करेगा, और ये बहुत कम भी यूज़ होता है। इससे आप अपने बहुत सारे काम कर सकते हैं, किचन के टॉवल्स वगैरह अगर आप धोना चाहें तो वो भिगो दें, सारा मेल कुचेल जो भी होता है, मतलब मेला और ग्रीस वाला जो हमारे चिकने हो जाते हैं कपड़े किचन के, वो सारे थोड़ी देर आप भिगो के रख दें आधे घंटे, सारा मेल निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा डिटर्जेंट बनने वाला है, बहुत ज़बरदस्त। तो देखिए अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है, अब इसके अंदर हम तमाम चीज़ें मिक्स कर देंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर अपनी डालेंगे यूटी बेस, ये बहुत ही लाइट पावर हल्का होता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आपको सामान लेने में आसानी हो। तो पर्चे पे भी आप लिख लीजिएगा जैसे मेरी वीडियो स्टार्ट हो, तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। मैंने भी ऐसे ही सीखा है, हमारे एक भाई अच्छे यूट्यूबर है, उन्होंने सिखाया था, बहुत ही अच्छा बनाते हैं वो।
उनकी वीडियो में देख के सीखती हूँ, तो बहुत ही अच्छा बताते हैं। तो अब बस हमारी मिक्सिंग थोड़ी थोड़ी है, आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, जल्दी जल्दी से मिक्सिंग हो जाएगी हमारी हर चीज़ की। सिर्फ मिक्सिंग का ही होता है इसके अंदर काम कि मिक्सिंग अच्छी हो जाए। तो ये दिख रहा होगा आपको कि कितना अच्छा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये काफ़ी ये सारा और अच्छा बन जाएगा। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सोडियम सल्फेट, जिसका मैंने आपको बताया था कि खारे पानी से लड़ने में मदद करेगा। तो ये तकरीबन एक पाव है 250 ग्राम, तो ये हम सारा इसमें शामिल कर देंगे। और इसके बाद हम शामिल कर देंगे SLS पाउडर, जो हमारे अगर आपके फोम बूस्टर ना मिले आपको तो SLS पाउडर भी हमारा यही काम करेगा, तो हम SLS पाउडर भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ये भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने मास्क लगा लिया क्योंकि ये जब SLS पाउडर डालेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा इसके अंदर से एकदम से धांस चढ़ जाएगी आपको दिमाग में, नाक के अंदर मतलब धांस चढ़ जाएगी ना, तो फिर अगर आप मास्क लगा के ही काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छे तरीके से ये इस तरह आप करें ताकि कोई गुटली ना बने। यहाँ मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, तो ये मैं 60 ग्राम डाल दूँगी इसमें, तकरीबन 3 चम्मच मैं डाल दूँगी। और इसके बाद हम डाल देंगे ब्लू दाना, जो हमारे सर्फ एक्सल को खूबसूरत ही बनाएगा और ये कपड़े धुलने में भी बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसका कोई कलर वर्ड नहीं निकलेगा, बस ये हमारा सर्फ को खूबसूरत बनाने में हमारे मदद करेगा। तो ये देखें बिल्कुल बाहर जैसा लग रहा है ना सर्फ एक्सल की तरह। आप चाहे तो 2-3 कलर की भी मिला सकते हैं इसमें दाने, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, 4 कलर के इसमें दाने आते हैं, तो आप दोनों तीनों में से कोई से मिला सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही लिया है क्योंकि मुझे प्योर सर्फ एक्सल बनाना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही दाना लिया इसमें। सबसे मेन हमारी चीज़ है मिक्सिंग, हमारी मिक्सिंग अच्छी होगी, गुटलियाँ नहीं बनेंगी, तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारा सर्फ रेडी होगा बिल्कुल बाहर के जैसा। और इसके बाद हम इसमें टीनोपाल डालेंगे, इसको लीको भी बोलते हैं और टीनोपाल भी बोलते हैं। तो ये आपको बहुत आराम से इजीली मिल जाएगा, देखने में अब इसकी ये सही येलो कलर का होता है ये। तो ये मैंने तकरीबन इसमें 10 ग्राम लिया है, तो आपको भी इतना ही लेना है। ये हमारे कपड़ों को चमक, हमारे कपड़ों में जो चमक होती है वो लेकर आता है ये। तो यही मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, कोई ये कलर नहीं छोड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, ये सब केमिकल्स हैं, ये आपस में मिलके जब इनका रिएक्शन बनता है तो बहुत अच्छा रिएक्शन देता है ये। अब इसमें लास्ट में सिर्फ नमक रह गया और फ्रेग्रेंस रह गई है, तो वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। और तो चलिए इसमें नमक डालते हैं, तो नमक मैंने ले लिया 100 ग्राम, और नमक आपको ये लाहौरी नमक ले रहा है, जो सादा नमक होता है हमारा, आयोडीन नहीं लीजिएगा। तो आपको पता लाहौरी नमक ज़्यादा अच्छा काम करता है हर चीज़ में। तो यहाँ देखें ये हमारा ज़बरदस्त सा सर्फ, तो ये देखें ये है सर्फ एक्सल खुशबू। तो इसमें हम तकरीबन 1 किलो में 2 ढक्कन ऐड करेंगे, 1/2 किलो में 10 ग्राम, तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। इसमें हम 20 ग्राम लेंगे, तो ये 1/2 ढक्कन और मैं डाल देती हूँ। तो इतनी मैंने डाल दी है, अब लास्ट टाइम आप जब बनाएंगे 1 किलो दोबारा से, तो 1/2 बॉटल फिर डल जाएगी, तो एक बार में ही खुशबू आपकी काम आ जाती है बहुत ही। तकरीबन 150 रुपये की बोतल आई थी, तो अब इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। बस ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, तो ये वीडियो बन गई है, बहुत ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की ही कोई अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ केमिकल के हिसाब से, ब्यूटी टिप्स के हिसाब से, तो प्लीज़ मुझे मैसेजेस में बताएं, तो मैं वैसे ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिससे मेरी व्यूअर्स जिनको जो मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा तो मैं वही बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए मत देखें, इतनी हम लोग मेहनत करते हैं यूट्यूबर्स आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक बटन दबाने में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम है ये, कोई इसमें पैसे नहीं लगेंगे आप लोगों के।
तो चलिए अब इसका वेट करते हैं। मैंने पैकेट बना लिए कि कितना, ये देखिए बिल्कुल ज़ीरो पर है ये। मैं करीब कर लेती ताकि आपको आराम से नज़र आए। देखें तो ये यहाँ पे एक पैकेट हो गया हमारा 536 ग्राम, यानी आधा किलो से ऊपर है। तो सारा टोटल करके मैं आपको बताऊँगी। और ये वाला पैकेट देखें, ये 573 ग्राम है। और ये तीसरा पैकेट हमारा 611 ग्राम है, 611। और लास्ट में ये हमारा हाफ से थोड़ा ज़्यादा बना है, तो ये भी कर लेते हैं हम। ये है 366 ग्राम। तो टोटल हमारा हो गया है ये 2215 ग्राम का सारा। तकरीबन हमने 1 किलो का सामान लिया था, 1 केजी का, तो ये बन के हमारा 2 किलो से भी सवा दो किलो करीब हमारा ये सर्फ एक्सल। देखें ढेर सारा घर में बन के रेडी हो गया है। तो है ना कमाल की वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी बात पर लाइक कर दें। ये बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का हमारा सर्फ बन के रेडी हो गया। और ये देखें बाहर से कहीं गुना ज़्यादा और अच्छा बना है, खुशबू वाला बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे, या कोई इसमें कोई आपको ज़बरदस्ती चीज़ नज़र आए कि वाकई ये काम की चीज़ें, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें आगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ मैंने एक टप में पानी लिया, मैं आपको झाग बना के दिखाती हूँ, एक इतना स्पून भर के, और आपको उसके झाग बना के दिखाती हूँ उसके झाग कैसे बन रहे हैं। इतना ये इसमें चिकनाहट है, इसे एक टेबल स्पून डाला मैंने, और उसके बाद खूब चिकनाहट, खूब झाग। देखें आपके सामने कितने अच्छे झाग बन रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त झाग बन गए, बिल्कुल हमारे सर्फ एक्सल की तरह। कोई गर्म पानी नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये नॉर्मल मैंने नलके का पानी लिया है। वाम अपने कपड़े भिगो देंगे किचन के, जो टॉवल होते हैं। ये गंदा नहीं हो रहा है, इसका कलर ही ऐसा है, आप देख लें इसका कुछ कलर ही ऐसा डार्क है। तो मैं डार्क कलर के कपड़े रखती हूँ ज़्यादातर किचन में, अपने सारे कपड़े इस पर भिगो दूँगी किचन के, जो हमारे टॉवल होते हैं, रोटी के कपड़े होते हैं, रोटी दान के लिए जो हम कपड़े बनाते हैं घर के अंदर, नैपकिन्स जितनी भी होती है हमारे किचन की, तो वहाँ में वो मैं इसमें भिगो दूँगी। और ट्राई भी हो जाएगा कि कपड़े किस तरह के धुल रहे हैं। और इसमें डालते के साथ ही इसमें अच्छा खासा मेल निकलना शुरू हो गया है। तो ये ज़बरदस्त हमारा वॉशिंग पाउडर बन के रेडी हो गया है।